सो गाइज, आज जो हम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं, इस पीसी का बजट मैं आपको बता दूं रफली 1 लाख टू 1 लाख 15,000 के बीच में वेरी करता है। सो ये पीसी जिनका है मैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। व्हाट्सएप भाई लोग, कैसे हैं आप सब? दिस इज मी निशादाब खान एंड वेलकम बैक टू मिस्टर पीसी वाले। सो जिनका पीसी ये है उनका नाम है मिस्टर अजय त्रिवेदी, जो कि रहने वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश से ही है, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो इनका बजट रफली 1 लाख 10,000 अबाउट जा रहा है। सो पीसी में हमने क्या क्या कॉम्पोनेंट यूज किए हैं वो आपको बता देते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो वीडियो को देखने से पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कंपोनेंट के हमने क्या क्या यूज किया है। सो गाइज, पहला जो कंपोनेंट हमने इसमें यूज किया है वो है कैबिनेट हमने इसमें यूज की है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली TD500 मेश, जिसके आपको फ्रंट में एक मेश डिजाइन मिल जाता है। फ्रंट में ही आपको 3 ARGB फैन मिल जाते हैं जो कि 120mm के होते हैं। टॉप पे आप 360mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो। एंड अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी इसमें हमको 1 ईयर मिल रही है। एंड अगर इसके कलर ऑप्शन की हम बात करें तो व्हाइट एंड ब्लैक दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप बाय कर सकते हो। और अगर इसमें हम सपोर्ट की बात करें कि आप कितनी हार्ड डिस्क और SSD इंस्टॉल करा सकते हो, तो 2 हार्ड डिस्क और 2 SSD आप इसमें लगा सकते हो। तो आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। सो गाइज, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो है पावर सप्लाई हम इसमें यूज कर रहे हैं कॉर्सर की तरफ से आने वाली CV750W SMPS। इसको हम चलिए ओपन कर लेते हैं। देखिए पावर सप्लाई के जब हम इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमें मिलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, जो कि शब्दों की लैंग्वेज में अगर कहें तो प्रेम पत्र। उसके बाद हमें एक पावर कॉर्ड मिल जाती है और हाँ, डेफिनेटली SMPS तो हमें मिलती है। तो अगर बात करें इसकी वारंटी की, तो इसकी वारंटी 3 ईयर की कंपनी प्रोवाइड कराती है। सो गाइज, अगर हम वेट की बात करें तो इस SMPS का हमने वेट किया, इसका वेट अप्रोक्स जा रहा है 1520 ग्राम। तो आइए सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, बात कर लेते हैं अगले कंपोनेंट की। सो गाइज, अगला जो कंपोनेंट है वो एक फैन हमने इसमें ऐड किया है, जो कि पीछे की साइड में हमें लगाना है। फैन हमने इसमें ऐड किया कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला CF120mm का, जो कि 120mm का ARGB फैन है। अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी इसमें हमको 2 साल मिल जाती है। और अगर हम इसकी RPM की बात करें तो 1200 RPM का ये फैन हमको मिल रहा है। और अगर आपको इसी तरह सारे कंपोनेंट की प्राइसिंग जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल सारे लिंक पड़े हुए हैं, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि जिस टाइम आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उस टाइम उस प्रोडक्ट का या उस कंपोनेंट का क्या प्राइस चल रहा है। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और पूरी वीडियो वॉच करेगा। तो आइए बात कर लेते हैं अगले कंपोनेंट की। सो गाइस, मदरबोर्ड जो हमने इसमें यूज किया है वो है आसूस की तरफ से आने वाला प्राइम B550+ मदरबोर्ड, जिसको आइए सबसे पहले तो हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइज, मदरबोर्ड हमारा अनबॉक्स हो गया है, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 SATA केबल मिल जाएंगी इसमें, प्लस एक IO शीट दी हुई है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, प्रेम पत्र आपको मिल जाएंगे और हाँ, डेफिनेटली मदरबोर्ड आपको मिल रहा है इसमें। सो अगर मदरबोर्ड के IO पोर्ट्स की बात की जाए तो हमें इसमें एक HDMI पोर्ट, एक DP पोर्ट, 4 USB 3.0 मिल जाते हैं, एक USB 3.1 मिल जाता है, प्लस एक Type-C का पोर्ट हमें इसमें मिल रहा है और हमको ऑडियो के पोर्ट्स इसमें मिल जाते हैं। और अगर मदरबोर्ड के फीचर की बात की जाए कि हम इसमें क्या क्या कितना कितना लगा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप इसमें 2 NVMe का सपोर्ट आपको मिल जाता है, मतलब एक टाइम पे आप 2 NVMe लगा सकते हो। और आपको 2 ग्राफिक कार्ड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो 2 स्लॉट दिए हुए हैं इसमें आप 2 ग्राफिक कार्ड भी इसमें लगा सकते हो। और अगर वारंटी की हम बात करें तो वारंटी इसमें वारंटी 3 ईयर आपको मिल जाती है। और आप कहीं किसी भी स्टोर से लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया इसकी वारंटी आसूस आपको प्रोवाइड कराते हैं। और अगर प्राइस की बात करें, प्राइस अगर आपको जानने हैं तो एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अगले कंपोनेंट की। सो गाइज, अगर आपको भी कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड करना है तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम शादाब खान, ये आपकी भाभी निशी भाभी, आप अंकित कुमार शर्मा। तो हमारा जो स्टोर का नेम है मिस्टर पीसी वाले, सिचुएटेड है हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर आपको कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड कराना है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट खोल के देखिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे हर स्टेट वाइज लिख रखा है कहाँ कहाँ हमने शिपिंग की है।
अगर आपको हमसे पीसी परचेस करना है तो अभी हमारे पास टू वेज है। सबसे पहला वेज है व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्या है 9532777615। वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करिएगा और आपको जल्द से जल्द रिवर्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा व्हाट्सएप पे, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। बाई चांस रिवर्ट नहीं मिलता है, क्या नंबर क्या है 9532777615। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन हमसे कॉन्टेक्ट करने का है वो मैडम क्या है? सेकंड ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यूजर हैंडल है हमारा मिस्टर पीसी वाले विदाउट एनी स्पेस, वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म मिलेगा जिसे आप फिल कर दोगे। वहाँ पे मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी और फिर हम बात करेंगे। और हाँ, फेक पेज से बचना, हमारे बहुत सारे हमारे नाम के फैन पेज फेक पेज बने हुए हैं तो प्लीज उनसे बचना, बचिए ठीक। और उसके अलावा अगर आप चाहते तो बताएं आपको, हम लोगों ने इंडिया के काफी बड़े बड़े गेमर्स के पीसी बिल्ड किए, जैसे अंतर्यामी गेमिंग, बंदूकबाज, साइबर, एंड्रियोवी, किलचोर, राही, मतलब एटसेट्रा सारे। और आपको बताएं इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, व्हाट्सएप नंबर का भी, सारे यूट्यूबर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप हमसे भी इसी तरीके पीसी ले सकते हैं। इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हमारी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइज, अगला जो हमारा कॉम्पोनेंट है वो है लिक्विड कूलर, कॉर्सर की तरफ से आने वाला H150 लिक्विड कूलर हमने इसमें यूज किया है, जो कि 360 mm का लिक्विड कूलर है। तो आइए सबसे पहले तो कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। इसमें अगर हम बात करें बॉक्स कंटेंट की कि हमें क्या क्या इसमें मिल रहा है, तो हाँ हमें AIO तो पहले मिल रहा है, उसके बाद 3 ARGB फैन हमें इसमें मिल जाते हैं और इंस्टॉलेशन किट हमें मिल जाती है और थोड़े डॉक्यूमेंटेशन प्रेम पत्र आपको मिल जाते हैं। वारंटी की अगर बात करें तो हाँ 3 साल वारंटी आपको इसमें मिल जाती है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। सो गाइज, अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर हमने यूज़ किया है राइजन 7 5700X, जो कि आता है, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 8 कोर 16 थ्रेड का ये प्रोसेसर है। इसकी बेस स्पीड आपको जो मिल जाती है वो है 3.4 GHz एंड मैक्स आप इसको बूस्ट करा सकते हो 4.6 GHz के साथ। तो आइए सबसे पहले इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो ये हमारा राइजन जो है वो अनबॉक्स हो गया है, तो इसके अंदर हमें एक प्रोसेसर मिल जाता है जिसके हमने पैसे पे किए हैं और हमें कुछ प्रेम पत्र मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। सो गाइज, अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है रैम। रैम हमने इसमें यूज़ की है XPG की तरफ से आने वाली D30, जिसको चलिए सबसे पहले तो कर लेते हैं अनबॉक्स। इसको अनबॉक्स करने के बाद देखिए इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ रैम मिलती है, ये प्रेम पत्र ये डॉक्यूमेंटेशन तक नहीं देते हैं। तो अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 3200 FSB की रैम है और इसकी लेटेंसी है CL162020। और इसकी वारंटी मैं बताऊं आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, मतलब लाइफ टाइम 10 ईयर की वारंटी XPG आपको प्रोवाइड कराता है। अगर इसका हम वेट करते हैं, तो चलिए आइए इसका पहले वेट करते हैं क्योंकि वैसे ही हल्की है, तो इसका वेट करते हैं। इसका वेट है सिर्फ मात्र 35 ग्राम। सो गाइज, अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है NVMe। हमने इसमें यूज़ की है किंगस्टन की तरफ से आने वाली NV2 500 GB की NVMe, जिसकी स्पीड आपको मिल जाती है अप टू 3500 MBPS। तो आइए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें आपको वारंटी मिल जाती है 3 साल की और ये Gen 3 NVMe है। तो आइए इसका वेट करते हैं। सो ये देखिए, इसका वेट ओनली 6 ग्राम की ये NVMe है। सो गाइज, एक हमने इसमें सेकेंडरी स्टोरेज भी यूज़ किया है 1 TB की HDD, जो कि WD की तरफ से आने वाली है, जिसका RPM है 7200 और ये 2 ईयर वारंटी के साथ आती है। सो गाइज, अब आती है बारी GPU की। GPU हमने यूज़ किया है इसमें Gigabyte की तरफ से आने वाला 4060 Ti Aero White Edition, जो कि 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो आइए सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम अनबॉक्स। इसको ओपन करने के बाद हमें इसमें एक GPU मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। पावर केबल की बात करें तो ये नॉर्मल 8 पिन की पावर केबल से ऑन हो जाता है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, ये 128 बिट का ग्राफिक कार्ड है, जो कि 8 GB और DDR6 बेस्ड है। आप ग्राफिक कार्ड देख ही रहे होगे, वाइट कलर का ग्राफिक कार्ड है, जो कि 3 फैन के साथ आता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये ग्राफिक कार्ड, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो हमें इसमें जो एक ब्रांडिंग हो रखी एरो जी की, वो हमें RGB मिल जाती है। तो अभी जब कैबिनेट में इंस्टॉल हो जाएगा, देन मैं फिर आपको उसका पूरा लुक दिखा दूंगी। और अगर हम IO पोर्ट्स की बात करें तो 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं हमको और 2 DP पोर्ट मिल जाते हैं।
तो और वारंटी की अगर हम बात करें तो वारंटी इसमें हमको 3 साल मिल जाती है। तो ये थे हमारे सारे कंपोनेंट जिसके डिस्क्रिप्शन और सारे कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं सिस्टम को बिल्ड और वीडियो को ले चलते हैं आगे। बिल्ड के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस पीसी हमारा बिल्ड हो चुका है, बिल्ड होके आ गया है। आप देख ही रहे होंगे कितना ज्यादा प्यारा और कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। व्हाइट कलर हमने इसमें यूज किया है और इसके फ्रंट में आपको 3 ARGB फैन मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वाइट अच्छे लग रहे हैं। एक हमने प्लस एडिशनल इसमें फैन यूज किया है, आउटटेक के लिए यूज किया है जो कि ARGB वो भी है। और इसके 360 mm का लिक्विड कूलर हमने इसमें यूज़ किया है जो कि तीनों फैन ARGB हैं, प्लस इसके हेडर में भी हमको RGB मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए जो ब्रांडिंग एरो की हो रखी है वो भी ARGB लाइट ग्लो कर रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रैम भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है, NVMe भी लग गई है। बाकी ओवरऑल आप बताओगे कि आपको ये PC कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कर लेते हैं बेंचमार्क गेम के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो गेम हम इसमें रन करने वाले हैं वो फुल HD 1080p पे रन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो गेम हमने इसमें प्ले किया है वो है वेलोरेंट। वेलोरेंट की जो क्वालिटी है वो हमने अल्ट्रा कर रखी है तो आप गेम का बेंचमार्क एंजॉय कीजिए। सो इसके जो FPS निकल के आ रहे हैं वो हमें मिल जाते हैं 420 से लेकर के 580 के बीच में। तो दोस्तों हमने दूसरा जो गेम इसमें रन किया है वो है GTA 5 जिसकी क्वालिटी हमने सेट कर रखी है वेरी हाई, तो आप बेंचमार्क एंजॉय कीजिए। तो अगर FPS की बात की जाए तो FPS हमें इसमें मिल जाते हैं 70-150 के समथिंग। जो हमने नेक्स्ट गेम इसमें प्ले किया है वो है RDR2 की क्वालिटी हमने सेट कर रखी है वेरी हाई, तो आप बेंचमार्क एंजॉय कीजिए। और अगर इसके FPS की बात की जाए तो इसके FPS मिल रहे हैं 80-120। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने बेंचमार्क भी इंजॉय किए होंगे। तो अगर आपको भी इसी तरह कोई PC बाय करना है तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा 9532777615, आप वहाँ जाके हमें WhatsApp कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपका Instagram, MrPC वाले हमारा Instagram हैंडल है, वहाँ जाके आप हमें DM कर सकते हो, वहाँ पर मेरा नंबर पड़ा हुआ है बायो में, आप वहाँ से भी मुझे WhatsApp कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल है, कितनी मेहनतें करें आपसे आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। सूफी प्लीज़ लिंक डाल देना क्योंकि इनसे तो ये उम्मीद नहीं है हमको, मेरे हस्बैंड से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो सूफी प्लीज़ तुम भाई लगा देना, तुम मेरे भाई हो ना, तुम लगा देना। और बस आज के लिए इतना ही। एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, ऐसे ही दोस्ती बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सी यू ऑन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।